नीरज जी चोपड़ा, पूरे देश में एक ही नाम चल रहा है, चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, लेकिन वो चीज़ कहाँ है जो आप ऐसा लेकर आए हैं कि मुल्क में लोगों को नींद ही नहीं आ रही है? बहुत जी, बहुत अजीब है। हाँ जी ये है, अरे वाह, ये है जी वो सोने का मेडल जो आजाद भारत में पहला एथलेटिक्स में आया, श्वेता पहला एथलेटिक्स में आया है। कभी सोचा नहीं था, मतलब हर बार हम उम्मीद के साथ जाते थे कि गो फॉर गोल्ड, इंडिया मांगे गोल्ड, सब कहते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा को करके आए हैं जो हम मांगते रहे, आपने पॉसिबल था। पर इस सोने से पहले सोना कितना मुश्किल था, मतलब नींद कितनी मुश्किल थी, और अब सोना कितना सुकून भरा हो गया है? देखो वो तो खिलाड़िया काम होता है, ट्रेनिंग करना, अपना काम, मेहनत करना, वो मैं कर ही रहा था, और बिल्कुल वो चीज़ ज़रूरी है। अभी अभी मेडल जीता है तो थोड़ा अभी ये भी ज़रूरी है, जो सब कुछ मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है। पहली रात आप इसे लेकर सोए थे अपने साथ, मतलब सिरहाने में रखकर सोए थे, उसके बाद से ये रोज सिरहाने में ही है या नहीं? मैं रखता हूँ इसको साथ में, रख के ऐसी रखा रहता है साथ में। नीरज इस वक्त देखिए हम जहाँ पर हैं, ये ध्यानचंद स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, और हमारे सामने उनकी प्रतिमा भी है। हाँ जी, वो शख्स जिन्होंने शायद हमें दिखाया था कि ओलंपिक्स चीज़ क्या है। बिल्कुल जी, और आप यहाँ पर आज गोल्ड मेडल लेकर आए जो इनके पास हुआ करता है। जी, तो काफ़ी खुशी है, और काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हमारे देश के, ये हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले, तो बिल्कुल इन्होंने एक जो भारत का नाम था उस टाइम पे बहुत ऊपर कर रखा था। हमें सबको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई होगी जी, पता नहीं आपकी ज़िंदगी बदली है कि नहीं बदली है, क्योंकि जो मेहनत आपने की है, हमें लगा मेडल आ गया, मेडल, अरे गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया, लेकिन नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड के लिए बड़ी मेहनत की होगी। हाँ जी बिल्कुल, मेहनत तो सभी खिलाड़ी करते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी ने मेहनत की थी, और मैं लक्की मानता हूँ अपने आप को कि मैं उधर जीत पाया, क्योंकि बाकी दुनिया के और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहाँ पर आए थे, तो मैं मानता हूँ कि अपना उस दिन था और मैं ये जीत पाया। सिर्फ दिन था ये तो बड़ी मॉडेस्टी है। नहीं अच्छा विक्रांत, आपने क्योंकि मेजर ध्यानचंद की बात की, और मुझे लगता है कि खेल रत्न इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पहले अवार्ड है, और ये बहुत सुंदर सा संयोग है कि ये यहीं पर है, हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और एक और चीज़ जी, वो भी एक आर्मी से जुड़े हुए, आप आर्मी से जुड़े हुए, और हम हमेशा कहते हैं, जैसा हम बात भी कर रहे थे विक्रांत, कि स्पोर्ट्स और आर्मी दो चीज़ें हैं जिसके बलबूते हमारा सर ऊंचा रहता है, तिरंगा लहराता है। बिल्कुल, मैं भी 2016 में सेना से जुड़ा था, और बहुत ही सम्मान देती है जब मेडल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है इनके बारे में, इनके प्रोफेसर रविंदर चौधरी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़े, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जब इनको ऑफर आनी शुरू हुई नौकरियों की, कई आधारों से आई, इन्होंने कहा कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूँगा। विक्रम बत्रा क्योंकि उसी कॉलेज के थे तो ये उनके बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे, ये सच है? देखो मुझे आर्मी काफ़ी पसंद थी शुरू से ही, और मुझे लगता था कि हाँ, क्योंकि ऑफर और भी थे, लेकिन मुझे इंडियन आर्मी काफ़ी पसंद थी, और मैं इंडियन आर्मी को मतलब ऐसे सिर्फ ज्वाइन ही नहीं, वैसे उससे पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने जवानों के साथ मिलके, और अपनी इंडियन आर्मी बहुत पसंद।